दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए देवजी टेक्निकल चैनल को और सबसे नई वीडियो देखने के लिए घंटा पर क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देवजी टेक्निकल चैनल में। दोस्तों क्या आप डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना। दोस्तों कई लोग कहेंगे कि डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हमें अक्सर पता रहता है कि एक डॉलर का लगभग 70 रुपये होता है और हम कितने डॉलर का कितना रुपया होता है उसी से गुणा कर निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको कहें कि डॉलर का रेट हमेशा घटता बढ़ता रहता है, तब आप कैसे पता करेंगे? क्योंकि दोस्तों डॉलर का रेट जो है हमेशा घटता बढ़ता रहता है, जिससे कि हम जो है एक्यूरेट पता नहीं कर सकते कि कितने डॉलर का कितना रुपया बना है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट टाइम के डॉलर को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आज का कितना डॉलर कितने रुपये के बराबर चल रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दीजिएगा। दोस्तों डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो यह है कि डॉलर का रेट जो है हमेशा घटता बढ़ता रहता है। कभी एक डॉलर का 70 रुपये हो जाता है, कभी एक डॉलर का 72 रुपये हो जाता है, कभी एक डॉलर का 74 रुपये हो जाता है और कभी कभी तो एक डॉलर का 77-78 रुपये हो जाता है। ऐसे में हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिदिन जो डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है तो हम कैसे जानेंगे कि आज का डॉलर का रेट जो है कितना रुपया है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आज जो है प्रेजेंट टाइम में डॉलर का रेट क्या चल रहा है और आप कैसे पता करेंगे कि कितने डॉलर का कितना रुपया बना है। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम के डॉलर को रुपए में कन्वर्ट कर देखने के लिए या प्रेजेंट टाइम में एक डॉलर का कितना रुपया बन रहा है ये देखने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट को ऑन कर लेना है। तो अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो वाईफाई को ऑन कर सकते हैं या इंटरनेट को आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि क्रोम ब्राउजर जो है गूगल का ऑफिशियल ब्राउजर है, तो मैं क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करूँगा। आपको अपने स्मार्टफोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपको बीच में सर्च बार दिखाई देगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और टाइप करना है $2INR। दोस्तों जैसे ही आप ब्राउजर में $2INR टाइप करके सर्च करेंगे, आपके स्मार्टफोन के स्क्रीन पर डॉलर का प्रेजेंट टाइम का रेट जो है ओपन होकर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि 1 यूनाइटेड स्टेट डॉलर इक्वल्स 74.12 इंडियन रुपीज। तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो है इंडिया में कितना रुपीस बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर का आज के दिन में यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई देगा छोटा सा, आप देख सकते हैं 24 नवंबर, और ये जो है 2:03 PM पर जो है ये रेट जो है काउंट किया गया है। और एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर का जो है 74.12 रुपीस इंडियन रुपीस जो है बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आज का प्रेजेंट टाइम का डॉलर का रेट क्या चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर तो हमको डॉलर का रेट पता चल गया, लेकिन हम कितने डॉलर का कितना रुपया हमको मिला है वो कैसे चेक करेंगे? तो जब हमें YouTube की तरफ से पेमेंट आती है दोस्तों, तो वहाँ पर जो है हमको YouTube की तरफ से डॉलर सेंड किया जाता है। तो हम जो है काउंट करना चाहते हैं कि जो YouTube की तरफ से हमको डॉलर सेंड किया गया है उतने डॉलर का कितना रुपया हमको मिलेगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ग्राफ के नीचे दो तरह के बॉक्स दिखाई देंगे। पहले बॉक्स में आपको यूनाइटेड स्टेट डॉलर लिखा गया है और दूसरे बॉक्स में आपको इंडियन रुपीज़ लिखा गया है। उसके बगल में दोस्तों लेफ्ट साइड में आपको 1 और 74.12 लिखा गया है। अगर आप जो प्रेजेंट टाइम में कितने डॉलर का आपको कितना रुपया मिलने वाला है ये पता करना चाहते हैं, तो आपको डॉलर वाले बॉक्स में क्लिक करना है, जहां पर 1 लिखा गया वहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों आप कितने डॉलर को जो है कन्वर्ट करना चाहते हैं रुपए में वो आपको यहां पर फिल कर देना है। मैं एग्जांपल के लिए यहां पर जो है 265 जो है डॉलर लिख देता हूं। तो आप देख सकते हैं 265 डॉलर को जो है इसने कन्वर्ट कर दिया है नीचे वाले बॉक्स में 19,641.08 रुपीस, मतलब 265 डॉलर का हमको जो है 19,641.08 पैसे मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों कि प्रेजेंट टाइम जो आज का दिन है, आज के दिन में जो है 74.12 रुपए जो है डॉलर का रेट है। प्रेजेंट टाइम में दोस्तों एक डॉलर का जो है इंडियन रुपीस में 74.12 रुपीस जो है बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 265 डॉलर का जो है हमको 19,641.08 जो है रुपये मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका प्रेजेंट डे में डॉलर का रेट जो है इंडियन रुपीस में कितना है और आप कितने डॉलर में कितना जो है रुपया आपको मिलने वाला है वो भी आप नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि कई लोग जो है प्रेजेंट डे के डॉलर को जो है कन्वर्ट करना नहीं जानते थे या जो है प्रेजेंट डे के डॉलर का जो है रेट नहीं पता करना जानते थे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों देवजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे जल्दी आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।